तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंगी उनको एक बुक मिली थी जबकि बाकी सारे लोगों को सिर्फ एक एक स्क्रॉल मिला था। वैसे इसके बाद लिंगन वहाँ से कहीं के लिए निकल पड़ा था, तो अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में भी हम लिंगन को वहीं उसी जगह की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ लिंगन एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी कंप्यूटर नहीं दिख रहा था और साथ ही जगह थोड़ी अजीब भी लग रही थी। अजीब से मतलब जैसे यहाँ पर कोई लड़ाई वड़ाई हुई हो और अभी मौसम भी खराब था। अब यहाँ लिंगन आगे बढ़ रहा था तभी उसे एक रेड कलर की एनर्जी दिखती है। ये एनर्जी बहुत ही दूर थी। अब लिंगन सोच रहा था कि ना जाने ये कौन फाइट कर रहा है, लेकिन फिर लिंगन उस तरफ जाने लगता है। अब सीन भी चेंज होता है और अब हम उसी जगह का सीन देख रहे थे। यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लिंगन को जंगल में मिली थी, इसने लिंगन की मदद की थी, लेकिन यहाँ पर अभी ये खुद प्रॉब्लम में फंसी हुई है। अभी तीन लड़के उसका रास्ता रोके हुए थे। दरअसल इस लड़की ने ट्रेजर चोरी किया है, मतलब इन लोगों से नहीं चुराया है, तो वो बस उसके पास है। तो ये दोनों चाहते हैं कि वो लड़की उन्हें सारा वो ट्रेजर दे दे। वैसे साथ ही अभी वो उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी भी कर रहे थे। तो अब पहले ही उस लड़की ने बहुत ज्यादा फाइट कर ली थी इनसे नहीं किसी और से, जिसे अभी हम देखेंगे। तो अभी वो इसलिए इनसे नहीं लड़ना चाहती थी और उसे यहाँ से निकलना था क्योंकि असली खतरा तो अभी आने वाला है। अब वो उन तीनों को वो खास ट्रेजर जो कि एक रेलिक है वो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें ये रेलिक दे दूंगी। ये सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है कि इससे के लिए तुम्हें जाने देने की क्या जरूरत, हम तो इसे भी रखेंगे और तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। वो लड़की सोच रही थी कि अब वो करे तो करे क्या, मगर तभी वो नोटिस करती है कि वो लोग जिनसे वो पहले बचकर भाग रही थी वो उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए हैं। तो ये देखते हुए यहाँ पर वो लड़की अपने हाथ में उस रेलिक को अब सामने खड़े एक लड़के को दे देती है और कहती है कि तुम्हें इनको यहीं पर रोकना होगा क्योंकि ये बहुत बुरे हैं। अब पहले तो ये तीन लड़के हमें भी बुरे लगे थे, मगर अब जैसे वो लड़की इनसे इतना कहती है तो ये कहते हैं कि चिंता मत करो, हम इन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो लड़का कह लो या मास्टर उस लड़की का पीछा करते हुए आया था, वो एक ही अटैक में इन्हें खत्म कर देता है। वैसे इसका नाम बाई है, लेकिन अब बाई का एक साथी जब से उस रैली को उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो नकली है। ये देखकर अब बाई कहता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए, वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं निकली होगी। और अब इसके बाद वो अपने तलवार पर उसका पीछा करने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम लिंगन को देखते हैं जो कि अभी एक मॉन्स्टर के पास बैठा था। यहाँ पर उसे एक डिमन पिल मिलती है। वो कह रहा था कि तो अच्छी बात है कि ये रियल में ज्यादातर हर बीस्ट के अंदर एक ना एक डिमन पिल होती ही है, वरना नॉर्मल वर्ल्ड में ये कनेक्ट बहुत मुश्किल से मिल पाती है। अब जब वो पिल को उठा रहा था तभी सामने से उसे वही लड़की जाते हुए देखती है। वो उसे पहचान भी लेता है, लेकिन अब जो तीन लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे वो उन्हें देखता है और कहता है कि ये तो बाई के आदमी है। अब इसके बाद वो भी उनके पीछे जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की भागते हुए गिर गई थी और अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती थी। इतने में ये लोग भी उस पर अटैक कर देते हैं। अब उसके पास अपने बचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन तभी सही टाइम पर आकर लिंग उन्हें टाइगर फिस्ट कर पीछे फेंक देता है। वैसे अभी सिर्फ नई के साथ ही अटैक कर रहे थे, बाई तो वहाँ पीछे खड़ा हुआ था। अब बाई यहाँ पर लिंगन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसके बाद अपने नजर से एक तलवार क्रिएट करता है और फिर उसे लेकर लिंगन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर लिंगन अपनी एनर्जी से उस तलवार को रोक रहा था, लेकिन वो वहाँ बाई कह रहा था कि यही मौका है इसे हराने का और उसके बाद अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला था क्योंकि लिंगन अभी उस तलवार को रोकने में ही लगा हुआ है। और अब बाई को देखते हुए लिंगन तुरंत उस लड़की से वहाँ से जाने को कहता है और जैसे ही वो लड़की थोड़ा सा दूर जाती है तो लिंगन वहाँ अपनी एनर्जी रिलीज करके उस तलवार को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बाई अपनी एक दूसरी तलवार लेकर लिंगन की तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर लिंगन उसे डोज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। अब बाई फिर से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन लिंगन बार बार पीछे आते जा रहा था। वो बस ऐसा इसीलिए कर रहा था जिससे कि उस लड़की को दूसरी तरफ भागने का मौका मिल सके। और अब हम देखते हैं कि लिंगन रुकता है, उसने अपनी मेटल बॉडी तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर ही ली थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मेटल बॉडी को देखकर ये सभी बहुत ज्यादा शॉक थे। पर जब बाई उसकी तलवार लेकर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर लिंगन अपनी दो उंगली की मदद से उस तलवार को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर तोड़ देता है। ये चीज देखने के बाद बाई और उसके साथी बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि इसने तलवार सिर्फ छूकर कैसे तोड़ दी। वैसे मुझे उसका रीजन पता ही है, शुरू से ही लिंगन जो भी छूता है वो तलवार वहीं टूट जाती है। अब यहाँ पर लिंगन हवा में आ गया था और अटैक करने वाला था, पर फिर बाई भी उसकी तरफ अटैक करता है। लेकिन जब उन दोनों के अटैक टकराते हैं तो यहाँ पर बाई बहुत ज्यादा पीछे आ चुका था। ये चीज देखते उसके साथी कह रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मास्टर बाई कैसे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर बाई कह रहा था कि सच में तुम्हारी मेटल बॉडी बहुत स्ट्रांग है,
अब लिंगुन को उम्मीद थी कि वो लड़की भाग गई होगी। वो अपनी बटल बॉडी को वापस से बंद करता है और अब वो वहाँ से भागने वाला था। वो कह रहा था कि चलो मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो लड़की वहीं पे खड़ी होकर उनकी फाइट देख रही थी। ये चीज देख कर लिंगुन बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और तुम तब से यहाँ पर यहीं पे खड़ी हुई हो, इतने में तुम न जाने कहाँ तक भाग सकती थी। पर फिर वो लड़की अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। अब लिंगुन सिचुएशन को समझता है और तुरंत ही भागते हुए उसके पास जाता है, उसे उठाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। ये देखते हुए वो लोग अपनी अपनी तलवार से लिंगुन पर हमला करते हैं, लेकिन लिंगुन का स्वॉर्ड बॉक्स वहाँ आकर उसे बचा लेता है। अब रास्ते में भागते हुए उस लड़की से वो पूछता है कि आखिर ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो इस पर वो लड़की कहती है कि मैंने लोगों से इनका जो ट्रेजर था वो छीन लिया था। ये सुनकर लिंगुन कहता है कि कमाल है, तुमने अकेले यहाँ पर आकर उन लोगों का ट्रेजर भी छीन लिया, मगर ऐसी हरकत करूंगी तो वो तुम्हारा पीछा तो करेंगे ही। अब वो भागते हुए जा रहा था तभी सामने लिंगुन को हॉर्शे देखता है। अब वो कह रहा था कि लो हमारी जान तो बच गई। हम देखते हैं कि हॉर्शे अपने साथ कई सारे घोड़ों को लेकर आया था। यहाँ पर बाई और उसके साथी बहुत ज्यादा शौक थे और आज उनका पूरा दिन शौक होते हुए ही गुजर रहा था। वो सारे घोड़ों को देखकर उन्हें सामने से हटना चाहिए था पर वो हट ही नहीं पाए थे, इसलिए घोड़े उनके ऊपर पैर रखकर भाग जाते हैं और इसके बाद सारे घोड़े वापस आते हैं और उनके आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं। वो सब यही कह रहे थे कि अचानक से सारे घोड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन अब वो गोल गोल घूम रहे थे इसलिए इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था यहाँ से निकलने का। इसीलिए अब बाई कहते हैं फॉर्मेशन स्टार्ट करो और फिर वो बाकी उसके तीन साथी उसके पास आ जाते हैं। वो चार डायरेक्शन में मुंह करके अपनी अपनी तलवार वहाँ जमीन में गाड़ते हैं, जिसके बाद एक एनर्जी रिलीज होती है और चारों की एनर्जी मिलने से उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उन सभी घोड़ों को दूर तक फेंक देते हैं। और इतना प्रेशर देखने के बाद वो घोड़े आसपास घूमना बंद कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर लिंगुन और वो लड़की भी गायब हो चुके थे। तो अब भाई अपने साथियों से कह रहा था कि ना जाने ये दोनों कहाँ चले गए, लेकिन उन्हें ढूंढने का बस एक ही तरीका है कि हम चारों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उन्हें ढूंढे। अगले सीन में हम लिंगुन और उस लड़की को देखते हैं जो वहाँ से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे। अब ना जाने अभी हॉर्शे कहाँ पर है, पर यहाँ पर अभी भी लिंगुन उस लड़की को उठाकर भाग रहा था। अभी वो बहुत ज्यादा थक चुका था इसलिए अब वो नहीं वहाँ पर गिर जाता है। और अब वो लड़की देखती है कि लिंगुन को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसे याद आता है कि ये तब लगी होगी जब उन लोगों ने लिंगुन की तरफ अपनी तलवार फेंकी थी। वैसे लिंगुन ने अपने स्वॉर्ड बॉक्स के जरिए उन तलवारों को रोक लिया था, पर उनमें से कुछ लिंगुन को चोट पहुंचा ही गई थी। इसके बाद वो लड़की लिंगुन को एक पिल खिला देती है और कहती है कि इससे तुम अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकते हो। और इसके बाद वो लिंगुन से पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, जिस पर लिंगुन कहता है कि तुमने भी तो मेरी मदद की थी। अब वो लड़की कहने लगती है कि अच्छा तो तुम बस बदला उतार रहे थे, जिस पर लिंगुन कहता है कि हाँ तुम चाहो तो ऐसा भी समझ सकती हो, पर मैं लिंगुन कभी भी अपने दोस्तों या फिर उनको जिन्होंने मेरी मदद की हो उन्हें कुछ होने नहीं दे सकता। तो अब वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम लिंगुन है, पर अब तभी लिंगुन सोचता है कि वो लोग अभी भी उनके पीछे आ रहे होंगे इसलिए यहाँ रुककर बात करना सही नहीं है। तो अब इसलिए फिर से उसे उठाकर भागने लगता है। दरअसल लिंगुन ने वो पिल खा ली थी इसलिए उसकी एनर्जी पहले से थोड़ी रिकवर हो चुकी है। अब भागते हुए लिंगुन उस लड़के से कहता है कि मैं तुमने अपना नाम तो जान लिया लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर वो बताती है कि उसका नाम यू है। अब लिंगुन कुछ भी कहे तो भी वो सामने देखता है और रुक जाता है। दरअसल उनके सामने उस पहाड़ी पर बाइक खड़ा हुआ था। यहाँ पर अभी लिंगुन रुक जाता है तो वो लड़की भी नीचे उतर जाती है, लेकिन फिर वो लड़की कहने लगती है कि इससे लड़कर कोई फायदा नहीं है इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इसके बाद वो लिंगुन का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ पर बाई कह रहा था कि तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, और इसके बाद वो अपने पास से फैटम स्वॉर्ड निकालता है। ये तलवार एनर्जी की मदद से बनती है और ये कोई मामूली तलवार नहीं है, इसे अपनी एनर्जी की मदद से कैसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर बाई तलवार को लिंगुन की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वो लड़की रुक जाती है और इसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो अपनी पावर से फ्लावर प्रेगनेंट फॉर्मेशन बनाती है और एक बैरियर क्रिएट करती है। ये बैरियर एनर्जी कंसंट्रेशन से बना था, तो पहले तो वो फ्लावर फॉर्मेशन उस तलवार को वहीं पर रोकता है और उसके बाद जब ये लड़की उस बैरियर को ब्लास्ट करती है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो तलवार को वापस से बाई की तरफ फेंक देती है। अब बाई अपनी तलवार को पकड़ता है और कहता है कि ये तो पॉइजन फ्लावर फॉर्मेशन था। वो ये चीज देख कर बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था। अब हम देखते हैं कि यू और लिंगुन दोनों फिर से वहाँ से भागने गए थे। रास्ते में लिंगुन यू से पूछता है कि तुम ये किस तरह के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती हो, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस पर यू कहती है कि मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन अचानक से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर लिंगुन उसे उठाकर भागने लगता है।
दरअसल आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी इनका पीछा क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका कारण ये था कि एस यू ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो एक पॉइजन फॉर्मेशन था और उसकी गैस के कारण भाई कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो गया था, लेकिन अब नॉर्मल हो चुका है और इनका पीछा करना स्टार्ट भी कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, वो इन तक पहुंच ही चुका था और यहाँ इन्हें देखते ही वो अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर लिंगो देखता है कि उसका सामने तो खाई है और भागने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो सीधा उस खाई में जंप कर देता है। अब ये चीज देखकर भाई बहुत ज्यादा शौक था, पर तभी ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।